स्टैंडर्ड का साइंस 2 का ओके तीन लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया ये है फोर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ओके तो देखते हैं हम लोग क्या है इस लेसन में तो फर्स्ट थोड़ा रिव्यू है जो हम लोगों ने सीखा था 9th स्टैंडर्ड में इकोसिस्टम ओके अभी इकोसिस्टम कैसे बनता है इकोसिस्टम बनता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ओके लिविंग थिंग्स को बोला जाता है बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जाता है अबायोटिक ओके तो इकोसिस्टम इज अ फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर ओके ईच फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम दोनों फैक्टर रिस्पांसिबल इकोसिस्टम बनाने के लिए बायोटिक नॉन सॉरी लिविंग एंड अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ओके प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है ओके जो खुद का फूड खुद बनाते हैं वो है प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स हर्बिवोरस लाइक डियर्स गोट शीप कैटल हॉर्स कैमल्स ओके हर्बिवोरस यानी जो प्लांट को खाते हैं ये सब देखो प्लांट को खाते हैं फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के ऊपर फीड होते हैं ओके ये उनका खाना है प्लांट उनका खाना है इन सब का are also important predators like lion tiger which prevents the overpopulation of the herbivores also equally important okay ab in sabko kaun khata hai okay ya fir inme se jo jo bhi hai deer hai sheep cattle wagera inko kaun khata hai inko kaun khata hai lion tigers ye sab khate hai to ye bhi important hai ecosystem mein ye kya karte hai agar in do ka अगर पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ता है इन सब का हर्बिवोरस का वो ज्यादा क्या करेंगे प्लांट्स को खाएंगे ओके तो उसको भी ओवर पॉपुलेशन करने से रोकता है कौन लायन एंड टाइगर सो इन सब का एक दूसरे के साथ एक इंटर कनेक्शन है इंटर रिलेशंस है अ क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट द वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन द नेचर Organism present in the filthy place, termites, insects present in the dung are the useful. ये देखो ये जो caterpillars वगैरह जो रहते हैं, okay? Caterpillars में ज़्यादा आप ऐसा मानो शक्तों की कीड़े वगैरह ऐसा, जना आया ऐसा मंडो अपन, okay? Organism present in the filthy place, filthy यानी dirty, dirty place में जो certain छोटे-छोटे देखो कीड़े वगैरह रहते हैं, organisms रहते हैं, वो termites, okay? Insects present in the dung. काउडन वगैरह उसमें ये हम लोग के लिए यूजफुल है क्या तो है यूजफुल है ओके दोस ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट दो दे आर डर्टी ओके ये गंदे है ये गंदे चीजों पे रहते हैं फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए दे आर रिस्पांसिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट इनका काम क्या रहता है क्लीन करने का एनवायरनमेंट में जो भी डर्टी थिंग्स है उनको क्लीन करने का काम इनका रहता है It means that our existence is due to this factor present around us. Hence, we should care for these factors. So, हम लोग का existence अगर ecosystem रहा, तो ही हम लोग exist हो सकते हैं, हम लोग जिंदा रह सकते हैं. तो उसके लिए इन सब का जिंदा रहना भी जरूरी है. जो भी है producer है, उसके बाद उनको खाने वाले plant को खाने वाले herbivores हैं, उनको खाने वाले carnivores हैं, and decomposers which live in our stays in the dirty place ye sab important hai okay to ye ek food chain diya hua hai to dekho ye food chain hai sun se energy le raha hai grass le raha hai usko kha raha hai grass upar stalks snakes okay eagle and baad mein ye marne ke baad decompose hota hai okay to decomposers bhi rehte hain to ye aise एग्जाम्पल दिया है फूड चेन का जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था फूड चेन फूड वेब ये सब हम लोगों ने सीखा इकोसिस्टम अबायोटिक एंड बायोटिक ओके तो इकोसिस्टम में ये दो फैक्टर रहते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक देखो अबायोटिक फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर फिजिकल फैक्टर में कौन है एयर वाटर वेपर सॉइल ये सब फिजिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर में कौन है ओके न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ओके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक में क्या आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैल्शियम ये सब एलिमेंट्स वगैरह जो आते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब आते हैं प्रोटीन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं तो ये सब जितने भी है 1 2 3 4 अबायोटिक कंपाउंड बायोटिक कंपाउंड यानी लिविंग उसमें आते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक तो हम लोगों ने सीखा है जो खुद का फूड खुद बनाते हैं वो है प्लांट दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर ओके उसके बाद
एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक देखो, एटोट्रॉपिक में दो रहते हैं, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। ऑटोट्रॉपिक में प्लांट, हेटरोट्रॉपिक में कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। ओके, हेटरोट्रॉपिक यानी जो फूड के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी वो कंज्यूमर। ओके, जो प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। एंड डीकंपोजर्स यानी प्लांट एनिमल मरने के बाद, डेथ के बाद उनको डीकंपोज करने का काम करते हैं, वो है डीकंपोजर्स। ओके, तो कंज्यूमर्स में देखो एनिमल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे अलग अलग उनका एक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया। ओके, तो ये ऐसा इकोसिस्टम पूरा बनता है। सबसे पानी इस कल्टीवेटेड वाला लास्ट के पैडी, यानी देखो हम लोग राइस का खेती करते हैं उसको बोलते हैं पैडी। ओके, आर लास्ट के इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया पैडी फील्ड आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय द ग्रास हॉपर। अभी पैडी फील्ड में जब जब उसके अंदर ग्रेन्स आने लगते हैं, ओके, जो क्रॉप्स है उसको ग्रेन्स आने लगते हैं तो ग्रास हॉपर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, फ्रॉग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द मॉड ऑफ द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में जो मॉड रहता है वहां पे फ्रॉग्स भी ज्यादा रहते हैं। Feed upon the grasshoppers, so किसको खाते हैं? Grasshoppers को खाते हैं। And the snakes also present in there to feed upon their favorite food, frogs. तो आप paddy field में आप देखोगे, तो उसमें snakes भी आपको दिखाई देते हैं कभी-कभी। Okay, वो किसको खाते हैं? Frog को खाते हैं। Okay, तो grasshopper को कौन खाता है? Frog खाता है। Frog को कौन खाता है? Snake खाता है। Okay, तो ऐसे food chain बनता है। However, if the frog population declines in all of sudden, अगर frog का population डिक्लाइन हो गया, ओके, फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया तो क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पैडी क्रॉप? तो फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया, डिक्लाइन हो गया तो पैडी फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? फ्रॉग कम कौन मरेंगे? ज्यादा ग्रास ऑफर्स क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे क्रॉप्स को, पैडी फील्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे। नंबर ऑफ व्हिच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड व्हिच विल इंक्रीज, कौन कम होगा और कौन बढ़ेगा? ओके, कम कौन होगा? अभी फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। फ्रॉग ही नहीं मिला तो स्नेक रहेंगे क्या? स्नेक तो कम हो गए। कौन बढ़ेगा? ग्रास ऊपर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्रास ऊपर, और उसके साथ पैडी फील्ड जो ग्रेन्स आ रहे हैं, ओके, क्रॉप्स वो भी खत्म होगा। व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम? द इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब। इकोसिस्टम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। एक भी ऑर्गेनिज्म अगर कम होता है तो उसका इफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम पे होता है, उस फूड चेन के ऊपर होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है उसके बारे में उन्होंने दिया है। एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या रहता है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके साथ नॉन लिविंग भी रहते हैं, मगर ज्यादा इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। एनवायरनमेंट यानी क्या? आजू बाजू का हम लोग का जो भी है कंडीशन उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। It includes the many biotic, abiotic, natural and artificial factors. There are the two main types of environment. One is a natural environment and other is a artificial environment. यानि जो बनाया गया, natural यानि nature ने बनाया हुआ, artificial यानि human beings ने बनाया हुआ, okay? Natural environment consists of क्या रहता है natural में? Air, atmosphere, water, land, living organisms. ओके, कंटीन्यूअस इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द बायोटिक एंड एनबायोटिक फैक्टर। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कंटीन्यूअस इंटरेक्शन होता है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ये भी अफेक्ट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, ओके, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट में क्या रहता है? दो बेसिक फैक्टर, लिविंग non-living, biotic, abiotic. The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called ecology. Ecology यानी क्या? Science का ऐसा study जो study करता है, किसके बारे में study करता है? Interaction between the living and non-living things के interaction के ऊपर जो study करता है, ऐसे science के study को बोला जाता है ecology. Okay? And basic function unit is used to study the ecology is called ecosystem. अभी ये living and non-living things कहाँ पे रहते हैं? Ecosystem में।
ओके, तो इकोलॉजी में किसका स्टडी किया जाएगा? इकोसिस्टम का स्टडी किया जाएगा। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। ओके, एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम रहते हैं। ओके, लैंड इकोसिस्टम है, ओके, एयर का इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम। ओके, वाटर में भी बहुत सारे इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, सी वाटर इकोसिस्टम है। ओके, लैंड में भी बहुत सारे इकोसिस्टम है। ओके, जहां पे रेन ज्यादा गिरता है वहां का, जहां पे डेजर्ट होता है, ओके, वहां का रेन कम होता है, वहां ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स है। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम, वेयर एज अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ। इन ब्रीफ, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंसिस्ट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन, ये सब इकोसिस्टम पे आते हैं। Environmental balance is maintained through the continuous operation of various natural cycles. Okay? अभी environment का जो balance है, वो कैसे maintain किया जाता है? Certain natural cycles, that is the water cycle. Water cycle तो हम लोगों ने सीखा है, बचपन में सीखा है, fifth, sixth, seventh standard में सीखा होगा आप लोगों ने। Okay? पानी, पानी का vapor होता है, vapor के बाद cloud, बाद फिर से बारिश। Okay? फिर से पानी seas में जाता है, फिर से vapor, ये सब। ओके, कार्बन साइकिल, उसके बाद गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ओके, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस लेसन। एंड एनवायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन ड्यू टू द वेरियस फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम। अभी नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, प्रोटेक्ट करना जरूरी है। When the some natural factors of the environment and some artificial pollutant factors harm the environment, it creates the imbalance between the various factors of environment and ultimately affects the existence of biotic factor. Okay? Environment अगर disturb हो गया तो environment में जो biotic factor है उनके existence के ऊपर affect होगा। Factors affecting environment. एनवायरमेंट के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो उसमें नेचुरल एंड मैनमेड। नेचुरल में देखो क्या है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, क्लाउड्स बर्स्टिंग, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट। ओके, ये सब है जो अफेक्ट करते हैं, जो है नेचुरल में आते हैं। नेक्स्ट मैनमेड फैक्टर में देखो, डिफॉरेस्टेशन, ये कौन करता है? फॉरेस्ट को कट करने का कौन करता है? हम लोग करते हैं। एयर पोल्यूशन कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। वाटर पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, ओके, एंड टेररिज्म, ओके, ये सब किसके वजह से होता है? मैन के वजह से, हम लोग के वजह से होता है, ओके, ह्यूमन बीइंग्स के वजह से होता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एट प्रेजेंट many environmental problems have been arise due to the various natural and artificial factors and man-made factors of the earth. Environmental pollution is one of the main factors. Generally, the contamination of any material is its pollution. Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to the natural events and the human activities is called environmental pollution. ओके, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से देखो एनवायरमेंट में हम लोग सब सर्टेन अनसर्टेन एक्टिविटीज करते हैं और अनएक्सेप्टेबल, जो एनवायरमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। देखो उसके वजह से देखो ऐसे फ्लड्स वगैरह बारिश के दिनों में आते हैं। अभी देखो फिलहाल कुछ दिनों पहले जो बारिश गिरा, ओके, उसके वजह से देखो हैदराबाद में वगैरह कितना फ्लड आया, पुणे में फ्लड आया, ये किसके वजह से होता है? हमारे मुंबई में फ्लड आता है, किसके वजह से होता है? ये सर्टेन अननेसेसरी चीजें जो हम लोग करते हैं एनवायरमेंट में उसके वजह से होता है। एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, तो हम लोग इसमें सर्टेन चेंजेस करते हैं, उसके वजह से ये सब हम लोग को भुगतना पड़ता है, ये सब इफेक्ट होता है एनवायरमेंट के ऊपर। वेरियस रीजन लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके, पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल से जो रिसोर्सेज हम लोग को मिलते हैं उसका आप लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ओके सिटीज जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे भी देखो स्लम एरियाज बढ़ता जाता है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन उसको बोलते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरमेंट को पोल्यूट करने। Pollution is a broad concept. Okay, various type of pollution like the air, water, sound, soil, thermal, light pollution occurs around. अलग अलग तरीके के pollutions है. Okay, ultimate adverse effect of all these on the existence of living organism. ये सब चीजें अगर affect होते हैं, pollute होते हैं, तो living organism के ऊपर उसका effect होता है. Out of these, environmental conservation has become the need of our. तो उसके वजह से environment को protect करना हम लोग को जरूरी है, okay? अभी के लिए.